बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे। और सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सब इंतज़ार कर रहे थे सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर आखिर कब रिलीज़ होगा, ये काफ़ी आप में कंफ्यूजन है और आप सवाल कमेंट्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे वो मैं आपको यहाँ पूरी तरह से बता रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप यू देखें, देखिए सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप खंगालोगे तो अभी किसी प्रकार का 2023 का सैंपल पेपर नहीं डाला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इस सैंपल पेपर में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर हम आ गए सीबीएसई के ऑफिशियल का सेकंड पेज नंबर पे। जैसे आप इसको नोटिफिकेशन को डाउन करोगे और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, हर हाल में सॉल्यूशन करोगे। यहाँ उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके क्वेश्चन कुछ जिस प्रकार से सीबीएसई पूछेगी 10 और 12 वाले बच्चों 2023 के में, उससे आप कंसल्ट में रहोगे। दूसरी बात मैं बता दूं यहीं पर कि आपको एक यहाँ पर, देखो पहले एक बात मैं क्लिक कर देता हूँ इसको कि देखो ये यहाँ बोर्ड एग्जाम पे यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ आ जाओ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इससे क्या बेनिफिट है कि यहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपके सॉल्यूशन मिलेगा, यानी मॉडल आंसर जो होगा जो सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर 2022, क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंटल 2021, हर तरह के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब सपोज करो मैंने अगर क्लिक करना है 2020 का क्वेश्चन पेपर कंपार्ट का या ईयर वाइज का, तो फिर आप यहाँ इस पर क्लिक करें। क्लास 10 वाले बच्चों 10 में करेंगे, 12 वाले बच्चे जो है देखो यहाँ पर आप देखो क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, ये क्लास 12 वाले बच्चे पूरा पेपर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सारा पेपर मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ मैं बता दूँ, देखो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट आपको मिला हुआ है, आप जिस जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप इसको क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आप क्लास 10 को हो या 12 को हो, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है NCERT घर। इस NCERT घर में यह बेनिफिट यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मटेरियल मिलेगा, प्लस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, PPT के फॉर्म में सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है NCERT घर में। तो NCERT घर के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी तरह से आप पढ़ सकते हो। सैंपल पेपर अभी ये बात करें 2023 का CBSE के द्वारा से अभी सैंपल पेपर अपलोड नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में सैंपल पेपर जो है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अपलोड कर देगी, क्योंकि प्री बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर तक ख़त्म होना है, यानी 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक इसको ख़त्म करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी आप सैंपल पेपर डाउनलोड करके सोच रहे हो, तो देखो मैं आप पुराना ईयर्स का सैंपल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहो तो वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि सैंपल पेपर में जो है अच्छे चीज़ दिए हुए हैं, प्रैक्टिस उसका बहुत ही ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और अच्छे मार्क्स के लिए आप NCERT घर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ हो गए एकेडमिक में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आपको सैंपल पेपर मिल रहा है, देखो 2021 22 20 19 18, और सिर्फ सैंपल पेपर नहीं है, सैंपल पेपर में इसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे क्लास 10 में आओगे तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा वो सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइस, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।